Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Previous video में हमने paper first means class 1 से 5th के लिए जो CTET का exam होता है उसमें जो child development and pedagogy के questions, EBSC questions, English and Hindi language and pedagogy questions discuss किए थे. आज के video में मैं आपके साथ paper second मतलब class 6 to 8th class के लिए CTET में जो questions पूछे जाते हैं वो आपके साथ discuss करूंगी. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इससे स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तानिया टू शेयर हिज टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी बिकॉज आई शेयर्ड माय टिफिन विद यू यस्टरडे. अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नोट्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डैश एंड डैश ओरिएंटेशन टिपिकली एट डैश स्टेज. हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या बोल रही है वो कि यस्टरडे के दिन मैंने आपके साथ अपना टिफिन शेयर किया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज आप अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करें. ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है हमको एक्सचेंज होने की बात चल रही है. और दूसरा स्टेज के बारे में पूछा गया था, एक्सचेंज ओरिएंटेशन एट कन्वेंशनल स्टेज. कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है, जो जब जब हमने मॉरल डेवलपमेंट की क्लास में ये कन्वेंशनल स्टेज पढ़ा हुआ था, तो उसमें क्या था, जब हम पर्सनल या सोसाइटल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं. तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल डेवलपमेंट. ठीक है, तो राइट आंसर है फोर्थ वाला. नेक्स्ट, widely held beliefs about typified characteristic deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as. हमको पता है कि अगर दो genders के बीच में हम क्या करेंगे, partiality करेंगे, biasness लेके आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, gender stereotype. तो सही answer है fourth वाला. Next question, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This is move is important because इसमें क्या दिया हुआ है कि father जो है वो household work कर रहे हैं और mother adventurous activities कर रही हैं, तो ये movement जो लिया गया है वो क्यों लिया गया है, orthodox thinking को हटाने के लिए, मतलब gender stereotype को eliminate करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्काय व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड. इसको क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब हम अपने पीयर्स फ्रेंड्स को क्या क्लूज देते हैं, गैसिंग देते हैं कि ये सही होगा, और जब उससे कोई भी काम नहीं बनता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, मींस हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस स्टेज पर डेवलप होती है. पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है. हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब स्टूडेंट अपने बारे में सोचना स्टार्ट करता है, आइडियाज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, तो ये सारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है किस स्टेज पे होती है, 12 years. मतलब बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने लिए सोचते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करके सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो ये जो स्टेज है इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डैश इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग. तो ये तो याद करने वाली चीज है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, वाइगोत्स्काय ने दिया था, तो इसका आंसर है थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम. तो अगर आप 6 to 8 के क्लासरूम में आकर टीचर बनते हैं तो आपको अपने क्लासरूम एनवायरमेंट को कैसा रखना चाहिए. तो जीन पियाजेट ने क्या बोला था कि 6 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको हम प्रॉब्लम और रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन के आधार पर पढ़ाएंगे ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो. तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
वट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ अ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. तो इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की गई है. हॉवर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस का, उन्होंने क्या बोला था, अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हैज अ कैपेसिटी टू डू लॉजिकल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्शन क्रिटिकल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड लॉजिक. सच अ पर्सन वुड बी एबल टू हैंडल लॉन्ग एम्स ऑफ रीजनिंग एंड हैव अ कैपेसिटी टू डिटेक्ट द पैटर्न. मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उसके पास कैपेसिटी है कि वो पैटर्न्स को डिटेक्ट कर पाए कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और जो लॉन्ग चेन्स वाली रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो इजिली सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स स्किल्स वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड. सीधा सीधा दिख रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं. Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? अब इसने क्या पूछा है, human environment, human development and environment और heredity का क्या फर्क, क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो हमको पता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या उसका IQ लेवल चेंज IQ लेवल के हिसाब से उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमें उसकी हेरिडिटी में जो कैरेक्टर्स मिले हैं वो पता चलते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में पला बड़ा, उसकी नरिशमेंट कैसी हुई है, वो सारी चीजें पता चलती हैं. तो इसका सही आंसर क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे. प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड टीचर एम्स टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशनल लर्निंग एनवायरमेंट. तो इसमें क्या होता है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है लर्नर के अंदर. तो टीचिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टीचिंग मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन साइड द लर्नर. तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होगा, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स CCE. हम सबने दिए होंगे, आप लोग के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने CCA दिए होंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन अकेडमिक्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट अ टीचर इनिशियली स्टेप कैन बी. क्लास में देखिए सारे बच्चे का जो बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो सेम नहीं होता है, और उस क्लासरूम में आपको पढ़ाने के लिए वो क्लास आपको असाइन कर दी जाए तो आप कैसे पढ़ाओगे, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करके पढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स रोल मॉडल्स के थ्रू उनको सोशल ग्रुप्स के बारे में बताओगे, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि हम किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं या इन्फीरियर फील करा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर क्या होता है, टीचर बिलीव करता है कि सारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल है और उनके अंदर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ भी है, ताकि स्ट्रेंथ है जिससे बच्चे जो भी टीचिंग कंटेंट में पढ़ा रही हूँ उसको वो आराम से सीख सकते हैं. तो टीचर क्या मान के चलता है, टीचर मान के चलता है कि एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बिहेवियर करता है तो इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट के क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम बाय. एक शिक्षक का समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित कर सकता है. तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कैन बी एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय. अगर टीचर को एक अच्छा सा
क्रिएटिव लर्नर एनवायरनमेंट बनाना है क्लासरूम के अंदर, तो टीचर क्या करेगी? टीचर करेगी इनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लास में मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले तो समझो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी रिफर्स टू कॉग्निटिव प्रोसेस डायरेक्टेड टू अचीव अ गोल। इट इज अ टेक्निक इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी अचीव बाय डिवाइडिंग ब्रेकिंग इट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लीड टू अ डिजायरेबल गोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मींस एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू द नंबर ऑफ सब गोल्स। प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? प्रॉब्लम्स को पहले हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर जो भी हमने ब्रोकन पार्ट बनाए हुए हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग? टीचिंग लर्निंग की कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है? इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक, ये भी सही है, एक्सपेरिमेंट भी सही है, डायलॉग भी सही है, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स डील्स विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? कोई भी बच्चा अटेंशन गेन नहीं कर रहा है क्लासरूम के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उससे बात करना चाहिए, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। की उसको पूछना चाहिए टीचर को कि आप अटेंशन पे क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके पास चार ऑप्शन है, प्रायर नॉलेज टू द लर्नर, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रोड मेमोराइजेशन। तो रोड मेमोराइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट समझाना है, पनिशमेंट भी हम नहीं दे सकते हैं, कंडीशनिंग भी नहीं होगी। बच्चों का जो प्रायर नॉलेज है, ये सब सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरी अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड। अ टीचर, टीचर को क्या करना चाहिए? चैलेंज दिस कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू अ डायलॉग। बहुत सारी घटनाओं के बारे में बहुत सारे लोग प्रिंसिपल बना लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ था, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो टीचर को बच्चों से डिस्कस करना चाहिए और ऐसी अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए कि प्रैक्टिकली लाइफ जियो, आप किसी भी प्रिंसिपल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको इमोशंस एंड कॉग्निशन के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको बताना है। तो इमोशन क्या है? इमोशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निशन इन इमोशन इज बोथ अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीजों को कब सोच पाते हैं? जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। तो ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है और एक डायनामिक इंटरप्ले है, मतलब एक दूसरे के बिना कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? इनमें से कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, तो हमको सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें से सही आंसर्स क्या होगा? चारों ही सही दिख रहे हैं मुझे, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला, वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेस आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस है जिसके कारण नॉलेज का कंस्ट्रक्शन मीनिंगफुल होता है? ऑफ कोर्स वी आर सोशल एनिमल, तो सोशल इंटरेक्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn a star or badge they are likely to be। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बच्चों को बोल देते हैं अगर आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा, तो बच्चे क्या करते हैं उस चीज को मन में रख लेते हैं कि हाँ मैं एक्टिविटी तब करूंगा जब मुझे प्राइज मिलेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे?
चीज को हम बोलेंगे डेवलप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टॉवर्ड लर्निंग, मतलब बच्चे को हमने ऑफर दिया कि अगर आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो हमने क्या मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप किया बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड का कंसेप्ट क्या है, आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, अब मिडिल चाइल्डहुड क्या है, धीरे धीरे उनके अंदर क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप होती है। फैमिली एंड नेबरहुड आर, इसमें पूछा है फैमिली और नेबरहुड क्या है, फैमिली एंड नेबरहुड क्या है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, सेकेंडरी हमारा स्कूल और हमारे टीचर्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के थे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।